हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों, यदि आप आज के समय में आईटीआई करना चाहते हैं तो आपको किस ट्रेड का डिप्लोमा करना चाहिए, कौन सी ट्रेड आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, उसी के बारे में बताएंगे। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 10वीं या 12वीं क्लास के पास करने के बाद आईटीआई करने की सोच लेते हैं और किसी तरह की जानकारी ना मिलने के कारण या किसी से गलत जानकारी मिलने के कारण गलत ट्रेड का चुनाव कर लेते हैं और जिससे उनके आगे जाकर बहुत दिक्कत होती है। आज के समय में अगर आप किसी से पूछेंगे तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ट्रेड के बारे में जानकारी देते हैं या इसके अलावा आईटी के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। तो क्या यह तीनों ट्रेड आज के समय में आपको एक अच्छी जॉब प्रोवाइड करा सकती है या नहीं करवा सकती? आपको पता है कि आज की इन तीनों ट्रेड की क्या कंडीशन है, आपको कितने प्रतिशत जॉब मिलने के चांस होते हैं और यदि आप इसको लेकर आप आईटीआई कर लेते हैं तो आपको जॉब मिलती भी है या नहीं मिलती? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं इन तीनों में सबसे ज़्यादा जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि आज के समय में इन तीनों ट्रेड का डिप्लोमा करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। यह बात सच है कि आपकी जिस चीज़ में रुचि होती है उस चीज़ के बारे में आपको पढ़ाई करनी चाहिए और ट्रेड को भी आपको उसी चीज़ को चुननी चाहिए। यदि आपकी रुचि मैकेनिकल में है तो मैकेनिकल ट्रेड चुनिए, यदि आपकी रुचि आईटी में है तो आईटी ट्रेड चुनिए। इस तरह से ही अगर आपकी रुचि बिजली में है तो आप इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रिकल को चुन सकते हैं। लेकिन यदि आपकी रुचि इन तीनों में से किसी में भी नहीं है और आपको किसी के बोलने पर या ट्रेड चुन लेते हैं तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आज के समय में इन तीनों ट्रेड का ट्रेंड जा चुका है, आपको इन तीनों ट्रेड से डिप्लोमा करने के बाद जॉब पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए अगर आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर देते हैं और जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पर अगर 100 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन के लिए निकलेंगी तो वहां पर आपको 2 लाख कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हुए मिल जाएंगे, इसलिए वहां पर जॉब पाने के लिए बहुत ही मुश्किल है। बात रही आईटी की तो हम आपको बता देते हैं कि आईटी में आपको सॉफ्टवेयर को बनाने में बारे में सिखाया जाता है, ना कि सॉफ्टवेयर को ठीक करने या चलाने के बारे में सिखाया जाता है। यदि आप आईटीआई से आईटी करके कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसका कोई महत्व नहीं होता है। यदि आप कंप्यूटर की लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको बीसीए कोर्स करना होगा। आगे हम आपको बताएंगे कि आपको आईटीआई की कौन सी ट्रेंड चुननी चाहिए जिनसे आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल सकती है। हम आपको अब 4 ऐसी सबसे बढ़िया आईटीआई की ट्रेड बता रहे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मांग है और आपको इस ट्रेड से डिप्लोमा करने के तुरंत बाद ही जॉब मिलने की चांसेस हैं। तो सबसे पहला जो ट्रेड है वो फिटर है। यह एक बहुत ही पॉपुलर आईटीआई कोर्स है, क्योंकि यदि आप इस डिप्लोमा को कर लेते हैं तो आपको आईटीआई संस्थान से ही आपका किसी न किसी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है। इस कोर्स को करने में आपको 2 साल का समय लगता है और यदि आप चाहते हैं कि इस कोर्स के करने के बाद आगे पढ़ें तो इस कोर्स के बाद में आप पॉलिटेक्निकल कर सकते हैं। पॉलिटेक्निकल कोर्स 3 साल का होता है, लेकिन यदि आप आईटीआई करने के बाद पॉलिटेक्निकल में एडमिशन लेते हैं तो उससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जब आप आईटीआई करने के बाद पॉलिटेक्निकल में जाते हैं तो आपको सीधा ही सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, यानी आपको सिर्फ 4 साल में 2 डिग्री मिल जाती है। इस कोर्स का मांग भारत में तो है ही, साथ ही साथ आपको विदेशों में भी फिटर ट्रेंड की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो अगला बेस्ट ट्रेड है यहाँ पे सर्वेयर का है। यह भी एक बहुत ही पॉपुलर डिप्लोमा है। यह आईटीआई के दूसरा सबसे बढ़िया डिप्लोमा माना जाता है, क्योंकि इस डिप्लोमा को करने के बाद आपको जॉब मिलना बहुत ही आसान काम है। क्योंकि इस डिप्लोमा में आपको रोड या किसी तरह की बिल्डिंग या छोटी मोटी सड़कें जहाँ पर भी बनती है उनके सर्वेयर का काम करना होता है, यानी उनकी देखभाल, उनकी ऊंचाई लंबाई आदि का लेखा जोखा को करना होता है। और जितनी भी रोड बनाने वाली कंपनियां हैं उन्हें सर्वेयर की बहुत मांग है। सड़क बनाने वाली कंपनियां आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे देती है और आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इस कोर्स को करने के लिए भी आपको 2 साल का समय लगता है और इसके बाद आप पॉलिटेक्निकल भी कर सकते हैं, वह आपकी मर्जी है। लेकिन यदि आप भी नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आपको इसमें जॉब पाना बहुत ही आसान है और यह कोर्स आप 10वीं क्लास के बाद कर सकते हैं। वैसे तो आईटीआई के सभी कोर्स 10वीं क्लास के बाद आप कर सकते हैं, सर्वेयर का भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। यहाँ पे नेक्स्ट जो बेस्ट आईटीआई ट्रेड है यहाँ पे आर्किटेक्चर असिस्टेंट का है। यह कोर्स बहुत ही बढ़िया कोर्स है। आर्किटेक्चर असिस्टेंट का काम तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं। आर्किटेक्चर असिस्टेंट का काम जितने भी बिल्डिंग बनती है उनके डिजाइन को तैयार करना है, घरों का डिजाइन तैयार करना होता है, फैक्ट्री या किसी भी कंपनी का डिजाइन तैयार करना आर्किटेक्चर असिस्टेंट का ही काम होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं आज के समय में बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बन रही है और सभी को अच्छे अच्छे डिजाइन की ज़रूरत है, और यदि आर्किटेक्चर असिस्टेंट कोर्स करते हैं तो आप भी एक अच्छे आर्किटेक्चर असिस्टेंट बन सकते हैं और कहीं पर भी जॉब पाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक ऑफिस खोल सकते हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा काम मिल सकता है, क्योंकि हर कोई आज के समय में छोटे छोटे घर का डिज़ाइन करवाना चाहता है।
और नेक्स्ट जो चौथा बेस्ट ट्रेड हम चुने हैं फैब्रिकेशन का है, जो कि फिटिंग एंड वेल्डिंग डिपार्टमेंट से आता है। यह एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है और फैब्रिकेशन का भी जरूरत कभी भी पूरा नहीं हो सकती है। इसकी मांग हमेशा से बनी रही है और हमेशा ही ऐसे बनी रहेगी। यदि आप फैब्रिकेशन का डिप्लोमा हासिल कर लेते हैं तो इसके बाद आपको इसमें पैसे और काम की कभी भी कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि जितना भी फैक्ट्री का काम होता है या कंपनियों का काम होता है, सभी का काम सिर्फ फैब्रिकेशन के ऊपर ही निर्भर है। पहले फैक्ट्रियों का निर्माण सीमेंट, बजरी और ईंट के साथ किया जाता था, लेकिन आज के समय में पाइप, पिलर, सारा का सारा काम लोहे से किया जाता है और डिजाइन तैयार करवाए जाते हैं। जितना भी गेट का काम है या छत का काम है, जितने भी बड़ी फैक्ट्रियों में काम होता है, वह सारा का सारा फैब्रिकेशन के ऊपर ही निर्भर करता है। तो यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम मिलता है, आपको कभी भी खाली नहीं बैठना पड़ेगा। इसका काम भारत में तो है ही, इसके साथ में इसका विदेशों में भी बहुत ज़्यादा काम है। इस कोर्स को करने में आपको 2 साल का समय लगता है और इसके बाद पॉलिटेक्निकल भी कर सकते हैं। इसमें आपको लोहे के गेट बनाना, पिलर बनाना, फिटिंग करना, इस तरह से काम करवाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने 4 बेस्ट ट्रेड चुना था जो कि ITI से रिलेटेड है, और यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोर्स आप कर सकते हैं, वैसे आपके मर्जी। और इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है, आपको जिस कोर्स में रुचि हो आप कर सकते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से ये 4 कोर्स चुने हैं। जैसा आपको लगा कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। बस यही आपको अपडेट न था, और ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल डे टू डे अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।